हाय गाइस, देखिए आज भी चिल्ली का रेसिपी शेयर करूँगी। देखिए यहाँ पे पत्ता गोभी और फूल गोभी ले लिए थे, उसको अच्छे से फिर यहाँ पे धो के यहाँ पे देखिए कद्दूकस कर लिए थे। यहाँ पे देखिए दोनों को ही, पहले फूल गोभी को यहाँ किए, उसके बाद फिर पत्ता गोभी को भी यहाँ साफ करके अच्छे से उसको भी फिर यहाँ पे घिस लेंगे। यहाँ पे फिर देखिए लहसुन और अदरक को दोनों को ही अच्छे से साफ करके रख लेते हैं। यहाँ पे फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों को घिस लिए थे, तो फिर यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नमक रख के और आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता है, इसलिए उसको फिर बाद में करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे गाजर लिए थे, गाजर को भी यहाँ घस के रख लिए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे गाजर और बीट दोनों, इसमें बीट भी थोड़ा सा डाल दिए थे कलर के लिए। उसके बाद देखिए इससे पानी निकाल लेंगे, देखिए कितना सारा पानी निकाल रहे हैं। अगर पानी नहीं निकालते इसमें तो काफ़ी ज़्यादा अरारोट का डालना पड़ता और मैदा भी, इसीलिए पहले इसको पानी, सभी से इसी तरह कर करके हाथ से ही पानी निकाल लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा पानी निकला था। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारा निकाल के रख लिए थे, फिर यहाँ देखिए अरारोट डाल लेते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैदा डाल देंगे, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन जो रखे हुए थे साफ करके वह डाल देते, क्योंकि हम लोग खड़ा खड़ा नहीं खाते, इसलिए हम लोग हल्का सा पेस्ट बना लिए थे। जो फिर यहाँ पे देखिए गोल गोल अच्छे से बना लेंगे, छोटा छोटा गोल गोल बना के यहाँ पे रख लेते हैं। इतना सारा देखिए बना लिए थे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल लेंगे और यहाँ पे तल लेंगे। यहाँ पहले ही पकोड़ा बनाए थे, उसी वही तेल में यहाँ पे तल के रख लेते हैं। उसके बाद प्याज को भी काट, यहाँ पे प्याज और शिमला को देखिए बराबरी बराबरी थोड़ा काटेंगे। उसके बाद फिर यहाँ देखिए कढ़ाई लिए, उसमें तेल डाल दिए थे, और जो यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रखे थे उसको डाल देंगे तेल में। थोड़ा सा देर फ्राई करेंगे तेल में इसको, क्योंकि अच्छे से भून जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो कि काट के रखे हुए थे शिमला और प्याज को, उसको दोनों को फिर यहाँ पे तेल में डाल देंगे और थोड़ा देर के लिए अच्छे से 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तब तक थोड़ा सा गल जाएगा, तब तक थोड़ा देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। तब तक इधर फ्राई होगा, तब तक आप इधर अरारोट को एक कटोरा में लेके 2-3 चम्मच पानी डाल के अच्छा से घोल लीजिएगा। इसमें थोड़ा देर के लिए बस घोल के पहले से रख लीजिएगा, तो फिर टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए अच्छे से घोल आ गया है। उसके बाद फिर इधर प्याज भी फ्राई हो चुका था, प्याज और शिमला अच्छे से इधर फ्राई हो गया था, तो इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, जितना लगे उतना ही नमक डालिएगा। फिर थोड़ा देर के लिए यहाँ पे अच्छे तरीके से भून लेंगे। उसके बाद फिर इसमें डालेंगे सारा सॉस, जो जो सॉस लगेगा, जैसे कि टमाटो सॉस, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, सब सॉस यहाँ पे देखिए अच्छे से डाल देंगे और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर जो अरारोट का घोल थे बना के रखे थे उसको भी यहाँ पे डाल देंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और डाल दिए थे, कम लग रहा था, तो उसके बाद फिर जो अरारोट का घोल रखे थे उसको भी डाल देंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो पानी डाल देंगे, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी फिर इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा से कलर आ गया था। उसके बाद सारा मंचूरियन का बॉल्स को इसमें डाल देते हैं और थोड़ा देर के लिए पका लेंगे। अब देखिए कितना अच्छा दिख रहा है देखने में, एक बार आप लोग, आप सभी भी ट्राई करके देख सकते हैं।